सबा, तुमने कुछ मंगवाया था? पार्सल वाला आया? ओ हाँ, वो मैंने ही मंगवाया था। मैं जाकर देखती हूँ। वो सर्दी बहुत आ गई है ना, तो सबा ने बहुत सी चीजें ऑनलाइन मंगवाई हैं। भाई आजकल तो बहुत आसानी हो गई है ऑनलाइन चीजें मंगवाने में, घर में बैठे बिठाए शॉपिंग हो जाती है। हाँ, लेकिन इससे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। हेलो भाई, चीजें खरीदेंगे पैसे तो लगेंगे ना, मुफ्त में तो कोई भी नहीं देता। हमारा पार्सल आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है जो कुछ हमने मंगवाया था ना, सब कुछ आ गया। मुझे तो रहा ही नहीं गया, मैंने बाहर ही खोल लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, कितना खूबसूरत है। बहुत ही प्यारा है ये तो, देखे कैसा अच्छा है ये। अच्छा, शायद तुम मेरे लिए ऑर्डर करना भूल गई सबा। नहीं अम्मा, वो अब आरेज मुझे गिने चुने पैसे तो देता है, और वैसे भी मुझे आपकी चॉइस का पता नहीं है। तो आप अपने लिए बाजार जाकर खुद ही ले आइएगा। अब दादी की शॉपिंग तो शुरू से मैं ही करती हूँ। हाँ, जेबू ही थी जिसे मेरा ख्याल होता था, अब तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। मगर अब जेबू आपसे बात भी नहीं करती। ए, जेबू इस घर में नहीं रहती अब, वो चली गई है यहाँ से। भाई आप लोग ये बात क्यों नहीं मान लेते? सबा इस घर की बहू है और इस घर में रहती है। ए, आप लोग अब बार बार जेबू का नाम ना ही लिया करें तो अच्छा है। आपको पसंद है तो आप ये मेरा सूट रख लें। जी नहीं, शुक्रिया। क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है ना, अब मुझे अपनी और दादी की चीजों को मैनेज करना होता है। अब सबके लिए शॉपिंग तो मैं कर नहीं सकती। हाँ भाई, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, बहुत ही महंगाई हो गई है। हाय, इसको क्या हुआ? सूट देखे कितना प्यारा है। वो तो देखी नहीं, बना के गई है। ऐसी तंग आ गई मैं तो। ये देखे। पवार, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी घर बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, आ जाऊंगा जल्दी। ठीक। दादी, देखा आपने आरेस की अम्मी का रवैया? भाई जरा सी शॉपिंग देखकर वो तो जल कुड़ गई है। हैं? लोग तो अपनी बहुओं को अच्छा पहनते ओढ़ते देखकर बहुत खुश होते हैं। इस उम्र में भी उन्हें अपने तोहफों की परवाह नहीं है। बस वो तो दूसरों की चीजें देखती रहती है भाई। और ये देख सरा, अरे हर वक्त जेबू जेबू जेबू, अरे जेबू ना हो गई, पता नहीं कौन हो गई। तो चली जाए ना जेबू के घर, वो तो अब इसके लिए दरवाजा भी नहीं खोलेगी। देख बेटा, मैं तो तुझे ये कहती हूँ, अपनी सास से चीजें छुपा के रखा कर। आई कोई जरूरत नहीं है हर चीज उसको बताने की, बहुत नदीदी औरत है वो, जरा नहीं तुम्हें अच्छे कपड़े पहनते हुए देख सकती वो। आरेस भी इनसे नाराज है, वरना हर वक्त आरेस के कान भरती रहती थी। भाई आरेस नाराज है अपनी माँ से, वो क्यों? हाँ वही दादी, सेबू और आरेस वाला मामला। आरेस और सेबू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर आरेस अमेरिका चला गया और आरेस की अम्मी ने जेबू को इमोशनल ब्लैकमेल करके फवाद से उसकी शादी कर दी, सिर्फ इसीलिए कि वो फवाद की खिदमतें करती रहे। भाई बहुत चालाक औरत है, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है ये। आरेस भी इसी वजह से नाराज है। इस जेबू को भी इसने अपनी खिदमत के लिए रखा होगा। जेबू में ऐसी क्या खास बात है, है? और मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि आरेस को अपनी माँ का पता चल गया,
इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आता। अब मुझे तो आरेस की भी समझ नहीं आती, अगर जेबू से इतना ही इश्क था तो मुझसे शादी क्यों की है? अरे मुझे तो सारे का सारा खानदान बहुत ही खुदगर्ज लगता है। ऐसे तू अपनी आंखें खुली रखना बेटा, मैं तुझे समझा रही हूँ, समझ आई है ना मेरी बात? दफा करें आप उन्हें, सूट देखे ना कितने प्यारे आए हैं। दादी आप ये पहनिएगा, ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैं पहनूंगी जरूर। आपी फिर से कमरे में जा रही हैं? वो मैं थक गई हूँ ना, तो थोड़ा आराम करना था। मेरे साथ ही चल के टीवी देख लें। तुम जाओ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। फिर आ जाइएगा, ऐसे अकेले ना बैठिएगा। तुम जाओ मैं आती हूँ। मुझे सिकंदर साहब से मिलना है। वो घर पे नहीं है। तो कौन है घर पे? कोई भी नहीं है घर पे। खोलो इसको। ये यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है? मालूम नहीं। कीमत कैसे हुई? सिकंदर खालू मुझे आपसे एक बात करनी है। तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो? तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई यहाँ पे आने की? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मैं जेबू से माफी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे एहसास हो गया। मैंने जेबू का बहुत दिल दुखाया। देखिए मैं जानता हूँ कि मैंने आप दोनों का भी बहुत दिल दुखाया। एक बार बस मुझे उससे मुलाकात करने दे। क्या तुम पागल हो गए हो? जेबू तुमसे किस तरह मिल सकती है? जाओ यहाँ से। वापस चले जाओ फवाद, तुम गलत रास्ते पे चल पड़े हो। तलाक देने वाले मर्द को भी कोई माफ करता है? वो मेरी, देखिए सिकंदर खालू, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे उससे मिलने दे, एक बार उससे बात करने दे। मुश्ताक जी सर, आइंदा ये शख्स यहाँ पे आए तो धक के देके निकाल देना इसे। जी सर। सिकंदर खालू ऐसा नहीं करें प्लीज, मुझे एक सेकंड बात करने दे जेबू से, मुझे मुलाकात करने। छोड़ो मुझे, तो चलो यहां से। मुझे एक सेकंड बात करने दे उससे। जेबू 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 चुप, जेबू मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। जेबू मेरी बात सुनो, जेबू मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तो देखो घर तक आ गया। मेरा दिल चाह रहा है कि पुलिस को इत्तला कर दूं। नहीं, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, चौकीदार को बता दिया ना, वो कब तक गेट के बाहर बैठा रहेगा। अरे ये तो शुक्र है कि हम जल्दी आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। अब गलती के एहसास होने का क्या फायदा? मेरी जेबू को तलाक दे दी और अब यहाँ तमाशा करने के लिए आ गया। प्लीज आप रिलैक्स रहे, सब ठीक हो जाएगा, वो चला जाएगा। प्लीज जेबो चुप, जेबो मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। जेबो मेरी बात सुनो, जेबो मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतनी लेट आए ऑफिस से तुम। अम्मी आज दफ्तर में देर हो गई। फवाद बाहर गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। कहाँ गया है वो? पता नहीं,
कह रहा था कहीं जा रहा हूँ, फोन भी नहीं लेकर गया। मैं अभी जाकर देखता हूँ। फवाद कहाँ गए थे तुम, इतनी देर लगा दी तुमने? कोई नहीं अम्मी, वो बाजार तक गए थे। बेटा तुम मोबाइल तो साथ लेकर जाते ना, हम इतने परेशान हो रहे थे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे फवाद, 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 सेबू, जल्दी उठो, उठो, आजा। बैठो। जेबू, खुद को संभालो। फवाद बहुत मुश्किल से गया है, पागलों की तरह दीवाना लग रहा था। क्यों आया था वो यहां? तुमसे माफी मांगने आया था। जेबू माफ कर दो उसे। मैंने उसे माफ कर दिया है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर फवाद तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना चाहता है, तो उसने तुम्हें तलाक क्यों दी? तुम्हारी खाला भी कॉल्स कर रही हैं, उन्हें अब तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया, हालांकि उनकी दूसरी बहू भी है। सबा, वही अरेस की बीवी। हर शख्स की अपनी जगह होती है। वो तो है। मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग बहुत पछताएंगे। नहीं नहीं सेबू, तुम बहुत बहादुर हो, संभालो उनको। तुम स्ट्रॉन्ग हो। देखो हम सब तुम्हारे साथ। क्या फवाद वहां आया था क्या? हाँ, लेकिन अब क्या फायदा? आप प्लीज फवाद को मना करें कि वो यहाँ ना आए। सिकंदर बहुत गुस्से में था, मैंने उनको मना किया, वरना वो तो पुलिस को बुला रहे थे। फवाद ने यहाँ आकर बहुत तमाशा किया। ये कोई तरीका तो नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। अच्छा, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, जेबू से माफी मांगने के लिए गया होगा। जेबू ने माफ कर दिया, जो वो मांगने आया था उसे मिल गया है। अब वो दोबारा यहाँ आने की जहमत ना करे तो अच्छा होगा। कैसी है जेबू? हम उसे बहुत याद करते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही। वैसे भी बेटियां वापस घर आ जाए तो उन्हें संभाल लेना चाहिए। अगर मैं उस वक्त घर पर होती तो कभी ये नौबत ना आती। आपको फवाद की शादी जेबू से कभी नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन आपने फवाद के बारे में सोचा, जेबू के बारे में नहीं। ऐसा नहीं है, जेबू भी मेरी भांजी है। बहरहाल आप फवाद को सख्ती से मना करें कि आइंदा हमारे घर ना आए। अब उसका जेबू से कोई ताल्लुक नहीं है और जेबू से मिलना नहीं चाहती। अल्लाह हाफिज। शगुफ्ता की कॉल थी। पता है आपको क्या बता रही थी वो? फवाद जेबू के घर के बाहर जाके बैठा रहा है। इतनी नाराज हो रही थी वो, कह रही थी सिकंदर पुलिस को बुलाने वाला था, बड़ी मुश्किल से रोका इन्होंने। अल्लाह जाने फवाद को कब समझ आएगी, पहले उस गुस्से की वजह से हम इतनी मुसीबत में फंसे हुए, नया अजाब खड़ा कर दिया हमारे लिए। इस लड़के को कभी अकल नहीं आनी।
ऊपर से डॉक्टर ने कहा है कि वो फिर से बीमार हो रहा है। पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ उसकी सेहत की तरफ से, ये नया मसला खड़ा हो गया है। आराम से, यहां से संभाल के संभाल बैठो। क्या जरूरत थी तुम्हें जेबू के घर जाने की? शुगुफ्ता का फोन आया था, इतनी नाराज हो रही थी वो। फवाद बेटा, तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है, खुद को संभालो। थाने कैसे पहुंच जाता हूं मैं? मुझे जेबू से एक बार बात कर। मेरी जान, वो नहीं कर सकती तुमसे बात, इद्दत में है वो, उसने तुम्हें माफ कर दिया है। इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया उसने? हाँ, अब तुम उसके बारे में नहीं अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल रखो। इतनी देर तुम उसके गेट के बाहर बैठे रहे, सोचो लोग क्या सोच रहे हो। थक गया था तो उधर ही बैठ गया, फिर वापस आ गया। अब वो तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम ऐसे किसी के घर नहीं जा सकते। वो जेबू का घर है और वो वहां रहती है। कभी कभार वहां चला जाता हूं, शायद उसकी एक झलक मुझे नसीब हो जाए। क्या करोगे उसको देखकर? अब तुम्हारी बीवी नहीं है फवाद, बेटा वक्त के साथ साथ दिल भी बहल जाएगा। तुम्हें आइंदा सिकंदर के घर नहीं जाना, बल्कि उस रास्ते से भी नहीं गुजरना। फवाद की हरकत देखी आपने? जेबू के घर के बाहर जाके बैठ गया ताकि आते जाते लोग तमाशा देखें। अरे अगर इतनी मोहब्बत थी अपनी बीवी से तो उसको तलाक क्यों दी इसने? इसी बात का तो पछतावा है दादी, उसे खिदमतें करने के लिए हम रह गए हैं। भाई मुझे तो यहाँ के लोगों की कुछ समझ ही नहीं आ रही, भाई अजीब तरह के मिजाज के लोग हैं। अब आरेस को ही देख लें, मुझे तो यूं लगता है हमारी शादी को 10 साल हो गए। जेबू क्या गए, आरेस के मिजाज ही बदल गए। अरे बेटा, आरेस तो तुम्हारा शौहर है, उसके मिजाज को समझो। समझ आई ना? देखो बेटा, उसकी चीजों पे, उसके रुपए पैसे पे, उसकी कमाई पे तुम्हारा हक है बेटा, अपना हक जतलाओ ठीक है, और उससे अपनी जेब खर्च भी लिया करो, वरना जेबू का हाल तुम्हारे सामने है। ठीक कह रही है दादी। तो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। ये लो। थैंक यू। अगर और पैसे चाहिए तो मांग लेना। वैसे काफी दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। नहीं, दादी के साथ चली जाना, मैं मसरूफ होता हूँ। आरिश तुम बहुत बदल गए, तुम्हारे पास ना मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता। सबब मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं किसी को दे सकूं। हम एक दूसरे का गम बांट सकते हैं, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। मैं थक गया हूँ सबब, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। पूरा दिन दफ्तर में थक जाता हूँ, सर खपाता हूँ,
घर आता हूँ तो यहाँ भी सुकून नहीं है। सुकून तो जैसे वो सेबू के साथ चला गया। मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग बहुत बचता है। तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तू मोहब्बत न कर। फवाद डिप्रेशन में जा रहा है और ये डिप्रेशन उसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या करें, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है तो इस बात को उसने दिल पे ले लिया। आप लोग उसका ख्याल रखें, उसे तसल्ली दें। लोग साहब, हम तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो किसी की बात समझते ही नहीं। फवाद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आप लोग उसकी काउंसलिंग करें, ऐसा ना हो वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा दे। डॉक्टर साहब, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपने देख ही लिया होगा कि दिन ब दिन उसकी सेहत तो गिरती जा रही है। आई एम नॉट सो होपफुल। फवाद की वजह से बहुत परेशानी है। डॉक्टर ने कहा है उसे खुश रखें, उसका ख्याल रखें, मगर वो तो दिल ही हार बैठा। किसी तरह भी वो जेबू को बुलाने के लिए तैयार नहीं, और जेबू को देखें, उसने एक फोन तक नहीं किया, मतलब पूछा भी नहीं खाला आप जिंदा हैं या मर गए। सफीना, तुम जेबू से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, फवाद पे तवज्जो दो बस। तो क्या करूं मैं, सभा को घर से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा एहसास तक नहीं है उसे। अब क्या हो सकता है, अब तो वो आ गई है इस घर में। आए दिन घर में झगड़े होते रहते, घर का माहौल बदल कर रह गया। नवीना मेरे दुख सुख की साथी थी, उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। क्यों अकेली होके रह गई, तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ, ये घर तुम्हारा है। देखो देखो सफीना, जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, फवाद ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा फवाद, हमने उसे खोने के डर से जेबू से ब्याह दिया और जेबू उसकी जिंदगी से चली गई। मेरी तो ये सोच सोच कर जान निकल जाती है कि वो दोबारा से मौत की दलदल में ना उतर जाए। प्यार, हमारा बेटा बहुत मायूस, उसका दिल टूट चुका है। देखो सफीना, वक्त के साथ साथ ये टूटा हुआ दिल भी जुड़ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, हौसला रखो, हिम्मत नहीं हारो, प्लीज। अम्मी ने सूप भिजवाया, रख दे, पी ले वरना ठंडा हो जाएगा। अब तो जेबू ने आपको माफ कर दिया,
तो सुकून मिल गया होगा। उसने मुझे माफ कर दिया मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। माफी मिल गई यही बहुत है। कुछ लोगों को तो सारी जिंदगी माफी भी नहीं मिलती। लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आप खुद को कसूरवार मत समझें। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है, और गलतियां ना इंसानों से ही होती हैं। तसल्ली देने का शुक्रिया, लेकिन तसल्लियां मेरे दिल पे असर नहीं करती। जब इंसान का दिल टूटता है तो सारे मौसम बदल जाते हैं। क्या जेबू भी आपको इसी तरह याद करती है जिस तरह आप उसे याद करते हैं? मुझे नहीं मालूम। मालूम तो होगा, और मैं जानती हूं कि जेबू आपको बिल्कुल याद नहीं करती। अपने घर में अपने लोगों के साथ इतने आलीशान महल में जो रह रही है भाई, उसके आगे नौकर चाकर है, क्या आसाइशी है, वो भला आपको क्यों याद करेगी? और आप भी ये बात समझ लें। चलती हूँ। सूप पी लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। फवाद को मैंने सूप दे दिया है। हाँ, खिचड़ी भी बना देना है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे बाजार जाना है, शॉपिंग करनी है। सबा, अभी कुछ दिन पहले तुमने इतनी चीजें मंगाई हैं। कुछ सामान रह गया था, मैंने सोचा कि खुद जाके ले लूंगी। सबा, तुम्हारा तो घर में दिल ही नहीं लगता। वो मुझे तो घूमने फिरने का, बाहर जाने का, शॉपिंग करने का बहुत ही शौक है। अब अभी तो मैं जवान हूँ, तो मैं तो अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ ना। अरे बेटा चले, मैं तो तैयार होकर आई हूँ। जी दादी, बस चलते हैं। बेटा जल्दी चलेंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे। जी दादी, आप ऊपर चले, मैं आ रही हूँ। सबा, घर में इतनी परेशानी है, तुम्हें शॉपिंग की पड़ी हुई है। अम्मी, अब दुनिया के काम तो नहीं रुक सकते ना, कितनी चीजें हैं जो अभी खरीदनी है, जरूरत है उनकी। आए बाजार ही तो जाना है, हम कौन सा कहीं और जा रहे हैं। सबा, तुमने कौन से मेरी बात सुन लेनी है, करनी तो अपनी। अरे भाई, ये जरा जरा सी बात पे क्या बहस कर रहे हो है? भाई दुनिया के काम धंधे तो चलते ही रहते हैं। मैंने कुछ चीजें खरीदने थी, सोचा कि आज फारिग हूँ, चली जाती हूँ। जाइए, शौक से जाए आप दोनों, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। दादी दफा करें इनको, चलाए हम लोग शॉपिंग पे। चल भाई, यहाँ के लोगों के तो मिजाज ही नहीं मिलते। चल, ऐसी नकचड़ी सास है तेरी, पता नहीं मुझे कैसे बर्दाश्त करेगी इस घर में, है? खाने को भी देगी कि नहीं देगी? ये ले, मैंने खुद बनाया आपके लिए। ओह थैंक यू। क्या करूं, अकेले ही काम करना पड़ता है। आपकी वो लाडली बहू साहिबा घर पे होती ही नहीं है, और दादी इस उम्र में इतनी एक्टिव है, कभी किसी रिश्तेदार के घर तो कभी बाजार, कभी यहाँ तो कभी वहां। मैं तो सारा वक्त ही अकेली होती हूँ, ना कोई गम बांटने वाला है और ना कोई जिम्मेदारियां। तो क्या किया जाए, बहू को रोक टोक भी नहीं कर सकते, बेहतरी इसी में है कि खामोश रहा जाए। और फिर जवान लोगों के अपने तर्ज जिंदगी है,
एक बहू पहले नाराज होकर चली गई, अब दूसरी को रोक टोक करेंगे तो मसला बन जाएगा। फवाद भी अपना ख्याल नहीं रखता, इतना लापरवाह हो गया है। मैं सोच रही थी थोड़ा बेहतर हो जाए तो उसकी दूसरी शादी कर दें। सफीना मुझे इस बात की फिक्र है कि फवाद दोबारा से सिकंदर के घर न चला जाए। नहीं जाएगा, जेबू ने इसे मुआफ कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि फवाद का इलाज हो जाए तो हम उसकी दूसरी शादी कर दें। फवाद मानेगा? तो कब तक नहीं मानेगा, वक्त गुजरेगा, जेबू को भूल जाएगा। घर में दुल्हन आ जाएगी ना तो हमारा भी ख्याल रखेगी, फवाद का भी ख्याल रखेगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। और अगर उसने उसे भी तलाक दे दी तो फिर क्या करेंगे? हल्ला ना करे, नहीं देता वो उसे तलाक। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, समझ गया है वो। घर बसाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, उसके लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है, बर्दाश्त करना पड़ता है एक दूसरे को। चलो ठीक है, लेकिन ऐसी लड़की हमें मिलेगी कहाँ से? लड़की? हाँ, किरण का ख्याल आता है मुझे, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। खैर, लड़की कोई ना कोई मिल ही जाएगी। मैं पहले लड़की ढूंढ लूँ, फिर फवाद को बताऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। सादगी से निकाह कर देंगे, घर की बात घर में रह जाएगी। चलो ठीक है, पहले तुम लड़की तो ढूंढो ना, बाकी प्लानिंग बाद में करेंगे। चलें। अरे वाह भाई, आज तो आरेज भी जल्दी आ गया ऑफिस से। जी दादी, कैसी रही आपकी शॉपिंग? भाई बहुत अच्छा लगा, बाजार की रौनक देखकर तो मजा आ गया। भाई बाजार जाओ तो वक्त का तो पता ही नहीं लगता। ये तो है। इतना कुछ ले लिया? जी, बहुत सी चीजें लेनी थी, मैंने और दादी ने तो खूब एंजॉय किया। हाँ भाई, हमने तो खूब एंजॉय किया, खूब घूमे फिरे बाजार में, और फिर चीजें ली और घर वापस आ गए। अच्छा किया आपने, आपका जब दिल चाहे आप बाहर चली जाए। मैं सोच रही हूँ फवाद की दूसरी शादी कर। फवाद की शादी? अरे हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। हैं, लोग दूसरी शादी भी तो करते हैं ना। अच्छा है, दूसरी शादी हो जाएगी, फवाद का दिल भी लग जाएगा। भाई सबा बिचारी कब तक उसके काम करती रहेगी? हैं, कभी सूप बना कर दे रही है, कभी खाना बना कर दे रही है। दूसरी शादी कर दो, बीवी आ जाएगी तो वो भी काम करेगी उसके। जी, इन्हीं हालात को देख कर मैंने ये फैसला किया। लेकिन इस हालत में फवाद से कौन सी लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी? किरण का नाम है मेरे जहन में। किरण? कैसे हो सकता है? क्यों? कोशिश करूंगी किरण का पता चल जाए कहीं से, कहती हूँ किसी को। करमी, ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? आप कोई और लड़की देखिए, मेरा नहीं ख्याल किरण फवाद से शादी करने के लिए राजी है। अरे तो कोई और लड़की देख लेंगे भाई, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी सफीना। भाई फवाद का घर आबाद हो जाए ना, कब तक बेचारा यूं ही अकेला बैठा रहेगा। मैं माँ हूँ उसकी, मैं फवाद का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन आप फवाद से तो पूछ लें, क्या वो ये शादी करना चाहता है? अरे वो भी राजी हो जाएगा, आखिर कब तक बैठा जोक बनाता रहेगा। देखो ना सफीना, हर इंसान को अपना घर बसाने की ख्वाहिश होती है, उसे भी तो चाह होगी ना अपना घर बसाने की। सारा दिन बेचारा अकेला बैठा रहता। मगर फवाद जेबू की जगह किसी को नहीं दे सकता। अरे जेबू की इद्दत पूरी हो जाएगी तो उसका बाप भी तो उसकी दूसरी शादी कर देगा ना। अब कोई किसी के लिए जोग नहीं बनता। हाँ चल बेटा, ऐसे कर मुझे भी आरेज जैसी कॉफी बना कर ला दे। हैं? बहुत थक गई हूँ। मैं ये सामान। हाँ ये ले जा, ये ले। बेटा ये मेरा पर्स भी ले जाना, चल चल। शुरू से मैं सोच रहा हूँ कि जेबू की इद्दत खत्म होने के बाद उसे ऑफिस ज्वाइन करवा दें, उसी दौरान कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी शादी करवा देते हैं। अगर एक शादी नाकाम हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान नए सिरे से अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, मैं किसी मैरिज ब्यूरो से बात करती हूँ, कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। हम जेबू को
ज्यादा देर घर पे नहीं बिठाएंगे। इनफैक्ट मैं सफीना को ये बताना चाहता हूँ कि सिकंदर की बेटी नए सिरे से अपनी जिंदगी बसा सकती है, अपना घर बसा सकती है। आप छोड़ें उन लोगों को, हमें उनसे क्या लेना देना। हमें तो जेबो के बारे में सोचना चाहिए। हम उसे ज्यादा देर तक घर नहीं बिठाएंगे। फवाद तो नहीं आया? उसकी माँ को कॉल की थी मैंने, कहा उससे कि अगर इतना ही ख्याल था तो तलाक से पहले सोचते इस बारे में। अब ये ड्रामे करने का क्या फायदा। तो जेबो का एहसान है कि उसने फवाद को माफ कर दिया।